चलो बात ना करो, ध्यान दो इधर। कल हम लोग पढ़े थे किसी समकोण त्रिभुज के बारे में, सारी चर्चा हो चुकी थी समकोण त्रिभुज के लिए। जब हम किसी समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो उसमें तीन चीजें होती हैं, एक लंब, एक कर्ण और एक आधार। लेकिन हमने देखा कि कर्ण तो फिक्स होता है, परंतु लंब और आधार बदल सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हम किस कोण की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम कोण C की चर्चा कर रहे हैं तो इसके सामने की भुजा ये होती है लंब, और शेष बची हुई तीसरी भुजा आधार हो जाती है। लेकिन अगर हम बात कर लिए कोण A की, तब ये सामने पड़ जाता है ये वाली रेखा, तब ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। तो सवाल लगाते समय तुमको देख लेना है कि किस कोण की बात की जा रही है। जिस कोण की बात की जाएगी, लंब और आधार उसी प्रकार व्यवस्थित हो जाएंगे। हो गया ना। अब हमको चूंकि पढ़ना है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति फलन आता है, त्रिकोणमिति फलन या त्रिकोणमिति अनुपात। तो हमारे पास छह त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, ये पूरा लिखे यस आई एन ई, साइन, कोसाइन, फिर टेंजेंट, उसके बाद ये कॉटेंजेंट, उसके बाद कॉसेकेंट, COSECANT, कॉसेकेंट, और सेकेंट, SECANT, ये होता है। ये छह त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनकी सेकेंट सी है, डी नहीं है। अब देखो, साइन को बोलते हैं हिंदी में ज्या, क्या बोलते हैं, को साइन, को आगे लग गया तो बन गया को ज्या। टेंजेंट होती है स्पर्श ज्या, क्या होती है, स्पर्श ज्या। कॉटेंजेंट होता है व्यू स्पर्श ज्या, व्यू स्पर्श ज्या। और कॉसेकेंट होता है व्यू ज्या, और ये व्यू को ज्या। ठीक है, हिंदी से ही कुछ समझ में आ गया होगा। व्यू से होता है व्युत्क्रम, माने उल्टा, तो समझ चुके होंगे। ज्या के साथ व्यू कहाँ पे लगा, कॉसिक में, तो साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसिक, होता है कोज्या के साथ व्यू लगा सिक में, दिख रहा है, तो कॉस का व्युत्क्रम होता है सिक। स्पर्श ज्या के साथ व्युत्क्रम लगा किस में, कॉट में, तो टेन का व्युत्क्रम कौन होता है, कॉट होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात समझ लो, सूत्र हमको तीन ही का याद करना है, इसका, साइन का, कॉस का और टेन का, क्योंकि बाकी तीन तो इसका उल्टा है। जैसे साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक इसका उल्टा है ना, उसका कर्ण बटे आधार। टेन का होता है लंब बटे आधार, तो इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो नाम से हमने समझ लिया कौन किसका उल्टा है, और यही हमारे छह त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको केवल साइन लिखते हैं यस आई एन, इसको केवल कॉस लिखते हैं, इसको टेन लिखते हैं, इसको कॉट लिखते हैं, इसको कॉसिक लिखते हैं, और इसको सेक लिखते हैं। ठीक है ना, ये हमारा प्रदर्शन है, इस तरह से इनका प्रदर्शन होता है। अब इन्हीं के सामने जो कोण निकालना है वो कोण लगा देते हैं। कहने का मतलब कि साइन का कोई अर्थ नहीं है, मतलब हम कह दें कि त्रिभुज एबीसी में साइन का मान निकालो, कौन साइन का मान निकाले, केवल साइन, केवल कॉस या केवल टेन का कोई अर्थ नहीं है। मतलब हम कह दें कि त्रिभुज एबीसी में साइन की वैल्यू बताओ, कोई अर्थ है इसका, कोई अर्थ नहीं है। हम कहेंगे साइन ए की वैल्यू निकालो, हम कहेंगे साइन सी की वैल्यू निकालो,
ठीक है ना, ये याद रखते रहना। जब इनके सामने कोण लगता है ना, तब ये बनते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बनते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन है। क्या है? त्रिकोणमितीय फलन। और जब त्रिकोणमितीय फलन को कोण के साथ जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाता है। हो गया। अब इनको याद करने का एक साठ तरीका है, लाल बट्टे कक्का। हो गया। यल से होता है लंब, के से होता है कर्ण, ए से होता है आधार। पहला होता है साइन का, और दूसरा होता है कॉस का, और तीसरा होता है टेन का। यही तीन तो याद करना है, बाकी तीन तो इसका उल्टा होता है, तो देख ही चुके हो, ठीक है ना? बाकी तीन को इसका उल्टा कर लोगे। तो अगर हम साइन की बात किए तो यल बट्टे के होता है, मतलब लंब बट्टे कर्ण होता है। कॉस की बात किए, ए बट्टे के मतलब आधार बट्टे कर्ण होता है, ए से आधार होगा ना। और उसके बाद टेन की बात किए तो लंब बट्टे आधार होता है। हो जाएगा। तो ये टाइप से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं, याद करने में भी परेशानी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं त्रिकोणमितीय फलन तथा त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन ए का मान निकालना, तो वही साइन ए का मान लिख दो लंब बट्टे कर्ण। तो लंब बट्टे कर्ण जो पता है इसमें, लंब और कर्ण उसी का वैल्यू रख दो उत्तर है। जैसे इसमें तुमको लंब बट्टे कर्ण पता है ना, तो इसमें देखो ए का निकालना, तो लंब है बी सी और कर्ण है ए सी, तो बी सी बट्टे ए सी मान दिया है तो रख दो, नहीं दिया तो यही उत्तर। समझ गए? वैसे सवाल में मान देगा, दो तीन चार पांच लिखा रहेगा इसमें। आगे लिखो, कहां तक लिखे जी? हेडिंग लिखना है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन तथा त्रिकोणमितीय अनुपात। हो गया ना। अब लिखो, लिखो इसमें लिखो त्रिकोणमिति फलन छह प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के होते हैं। छह प्रकार के होते हैं, ये लिख लो फटाफट सब। साइन, इसकी हिंदी ज्या, कोसाइन इसकी हिंदी को ज्या। उसके बाद टेंजेंट स्पर्श ज्या, कॉटेंजेंट बी वो स्पर्श ज्या। तो क्या लिखे? टेंजेंट ए, कॉटेंजेंट ए। दो दिन तक टेने कॉटेंजेंट लिखते रह जाओगे, सवाल दे दिया दो पेज का। तो सभी देखो, छेड़ो हो गया ना। आगे लिखो, इन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, इन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ये लिख लो। साइन एस आई एन, कॉस सी ओ एस, टेन टी ए एन, कॉट सी ओ टी, कॉस एक्स सी ओ एस सी सी, सेक एस सी सी। देखिए ये फिगर है आपका,
और नीचे लिखो, नीचे लिखना जब जब त्रिकोणमितीय फलनों के सामने, जब त्रिकोणमितीय फलनों के सामने त्रिभुज का कोण लगा दिया जाता है, जब त्रिकोणमितीय फलनों के सामने त्रिभुज का कोण लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है लगा दिया जाता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं, हो गया। जैसे जैसे समकोण त्रिभुज एबीसी में, जैसे समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए के, कोण ए के, कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया ना। अब क्या क्या होंगे देखो, साइन ए कॉस ए, टेन ए कॉस ए, कॉसिक ए सेक ए, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो बी का होगा, सी बोलेंगे तो सी का होगा, लेकिन जो समकोण होता है ना उसका नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समकोण वाला तो हमेशा 90 अंश ही रहेगा ना, वो लेते हैं जो कोण बचा हुआ है उनका, ठीक, ध्यान दिए रहना। न्यून कोण की बात की जाती है यहाँ पे, किसकी बात की जाती है, न्यून कोण की, लिखो, इसको लिख लो फटाफट। ये कोण ए की बात की गई है, ऐसे सी की भी बात कर सकते हो, क्योंकि बी को तो हमने यहाँ समकोण मान लिया है ना, तो सी की, ये सी की भी बात कर सकते हो, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, कॉसेक सी और सेक सी, ठीक है। तो इस प्रकार से लगा सकते हो सबके सामने जो कोण चाहो, त्रिकोणमितीय अनुपात बनते चले जाएंगे तुम्हारे, ठीक है ना। अब इनका मान देखते हैं, वही वाला लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, हो गया। नीचे लिख सकते हो, लिखो इंडिकेट पॉइंट, साइन कॉस तथा टेन, साइन ए लिख रहे ना, साइन ए कॉस ए तथा टेन ए, साइन ए कॉस ए तथा टेन ए, हो गया ना। मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है, आगे लिखना शेष तीन त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष तीन त्रिकोणमितीय अनुपात इनके व्युत्क्रम होते हैं, इनके व्युत्क्रम होते हैं। अब नाम से समझ ही चुके हो कौन किसका व्युत्क्रम है, शेष तीन त्रिकोणमितीय अनुपात इनके व्युत्क्रम होते हैं, हो गया। चलो अब लिखो आगे,
जैसे जैसे, पहला नंबर काली पेन से लिखना, कॉसिक ए, कॉसिक ए साइन ए का व्युत्क्रम होता है, कॉसिक ए साइन ए का व्युत्क्रम होता है, कॉसिक ए साइन ए का व्युत्क्रम होता है, हो गया ना, अर्थात अर्थात काली पेन से लिखना, देखो साइन ए बराबर एक बट्टे कॉसिक ए या कॉसिक ए बराबर एक बट्टे साइन ए, ऐसा लिख सकते हो। मतलब अगर कहीं साइन ए दिखा तो इसको एक बट्टे कॉसिक ए लिखा जा सकता है, या कॉसिक ए दिखा तो उसको एक बट्टे साइन ए लिखा जा सकता है, ठीक है ना, लिख लो इसको। हो गया, अब इसको कहाँ लिखोगे, दूसरा नंबर लिखो कॉस ए का एक मिनट, ऐसे दूसरा नंबर सेक ए कॉस ए का व्युत्क्रम होता है, सेक ए कॉस ए का व्युत्क्रम होता है, सेक ए लिखने के बाद कॉमा लगाना तब कॉस ए लिखना, ठीक है ना, सेक ए कॉस ए का व्युत्क्रम होता है, सेक ए कॉस ए का व्युत्क्रम होता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ए हमने बोला तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ए ही लिखना है, जो कोण रहेगा हमने बता दिया वही लगाना है तुम्हें, ठीक है ना, अभी तो हम ए की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमने ऊपर ए का अध्ययन किया था इसीलिए उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सेक ए किसका व्युत्क्रम होता है, कॉस ए का, तो इसका वाला लिख लो दोनों, हो गया जी। तीसरा नंबर लिख लो कॉट ए टेन ए का व्युत्क्रम होता है, कॉट ए टेन ए का व्युत्क्रम होता है, कॉट ए टेन ए का व्युत्क्रम होता है, हो गया, इसको लिख सकते हो आप नीचे वाला, हेडिंग किसी समकोण त्रिभुज में भुजाएं ज्ञात होने पर, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाएं ज्ञात होने पर, किसी समकोण त्रिभुज में भुजाएं ज्ञात होने पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, भुजाएं ज्ञात होने पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, भुजाएं ज्ञात होने पर त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना, हो गया ना, चलो देखो अब लिखो, माना एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, माना एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, हो गया ना, जिसमें जिसमें
कोण बी समकोण है, कोण बी समकोण है, और कोण ए का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। कोण बी का कोण ए का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, हो गया ना। तो आप देख सकते हो इधर यहाँ पर लंब, आधार और कर्ण। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लो और लंब और आधार कर पता कर लो। अब ऐसे कैसे हमने निश्चित किया इसको, क्योंकि हमको कोण ए का निकालना है ना, इसलिए हमने कोण ए के परिपेक्ष में सबको व्यवस्थित कर लिया है। अभी कोण सी बोला होता तब सी के परिपेक्ष में निकालते सबको। तो कोण ए के लिए, किसके लिए जी, ए के लिए कर्ण बराबर, कर्ण बराबर ए सी, हो गया ना। लंब बराबर बी सी, बी सी, और आधार बराबर ए बी, हो गया ना। सब पता चल गया हम, हो गया। इसलिए कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात, कौन सा अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, हो गया। शुरू कर लो। अब देखो पहला आता है साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, हो गया। लंब को लिखना यल और इसको लिखना के। दूसरा नंबर कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, इसको लिखना ए और इसको लिखना के। तीसरा नंबर टेन ए बराबर लंब बट्टे आधार, मतलब यल बट्टे ए, हो गया। उसके बाद चार नंबर कॉट ए बराबर, कॉट ए हमने देखा किसका उल्टा था, टेन कॉट ए टेन का उल्टा था, इसलिए टेन को उल्टा कर दो, आधार बटे लंब, मतलब ए बटे यल। पांचवा नंबर कॉसिक ए, कॉसिक ए किसका उल्टा था, साइन का ना, तो साइन का उल्टा कर दो, कर्ण बटे लंब, हो गया। इसको डिब्बे में बंद कर लेना। लास्ट नंबर यहाँ नीचे दिख देते हैं, देख लेना। छठवां नंबर सेक ए बराबर कॉस का उल्टा है ना ये, तो कर्ण मतलब के बट्टे आधार अर्थात ए, हो गया। इसको नोट कर लो, आगे की चीजें कल होंगी। अब इसमें वैल्यू भी सबकी रख सकते हो। लंब हमने बता दिया ना बीसी था, तो बीसी ऊपर लिख सकते हो, और आधार ये कर्ण एसी है, तो बीसी बट्टे इसको क्या लिख सकते हो, एसी। देखो पहले वाले को क्या लिख सकते हो, बीसी बट्टे, लिखना मत तुम लोगों, सवाल में हम लोग कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हो, आधार बट्टे कर्ण को, आधार क्या एबी है ना, कर्ण एसी है ना, तो इसको एबी बट्टे एसी लिख सकते हो, और इसको बीसी बट्टे एबी लिख सकते हो, तो इसको उल्टा एबी बट्टे बीसी, इसको कर्ण है ना, तो एसी बट्टे बीसी, और इसको एसी बट्टे एबी, तो ऐसे ऐसे सब लिख सकते हो ना, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो इसको नोट कर लो, बाकी जो इसका जो स्टार्ट पाओ वो लाल बट्टे कक्का वाला था, कल लिखवा देंगे, फिर सवाल लगाना शुरू करेंगे हम लोग। अपने सवाल पे हम लोग पहुंच चुके हैं, एक साइन कॉस टेन में संबंध बचा हुआ है, बच्ची कल बता देंगे, कल से सवाल शुरू करेंगे। तो भी अभ्यास का सवाल तुम लोग लगा सकते हो, कहने का मतलब त्रिभुज की भुजाएं दी गई होंगी तुम्हारे पास, और उनसे पूछेगा साइन ए कॉस ए टेन ए निकालो,
निकाल लोगे ना ऐसे नंबर टिक कर मान रख रख के, इसका मान दिया होगा, देखो जैसे मान लो इसको कह दिया ये पांच है, ये चार है, ये तीन है, तो वैल्यू रख सकते नहीं रख सकते हो। बीसी बटे एसी, बीसी का वैल्यू चार है, एसी पांच है, चार बटे पांच हो जाएगा साइन ए की वैल्यू हो जाएगा ना। तो ऐसे सवाल लगा के ले आना, अभ्यास का सवाल लगा के आ सकते हो तुम लोग। कल जो बचा खुचा है लिखवा देंगे, बाकी का सवाल कल शुरू करेंगे। अब जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करो, क्योंकि अभी आगे हमको कोड पढ़ना है इसमें।